नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग लूप के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी रियल लॉजिक डेवलप करने के लिए इन सब प्रोग्राम्स का आना बहुत मैंडेटरी है, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स से एक प्रोग्राम हम लोग करना चाह रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा नंबर होता है? यदि किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, मान लीजिए थ्री डिजिट्स हैं, ये थ्री डिजिट का नंबर है, तो हर एक इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम, हर एक इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम यदि ओरिजिनली वही नंबर आ जाए, 1 + 125 + 27 कितना आ गया, 153 आ गया, तो यदि वापस वही नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये हुआ थ्री डिजिट के नंबर का। यदि यही फोर डिजिट का नंबर रहता तो हम लोग हर एक इंडिविजुअल डिजिट के पावर फोर निकालते, तो हर एक इंडिविजुअल डिजिट के पावर फोर का सम यदि ओरिजिनली वही नंबर आ जाए तो वो ऐसे नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। फाइव डिजिट का होगा तो उसके पावर फाइव का सम। तो इस चीज़ को चेक ऐसी ये प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। तो अब इस प्रोग्राम को बनाने में क्या सोचना है? सोचना यह है कि एक एक डिजिट निकलती जाए, जैसे थ्री निकल जाए, तो किसी भी नंबर में से यदि एक डिजिट निकालनी है तो हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि उस नंबर में यदि मॉडुलस 10 कर दिया जाए तो मॉडुलस 10 क्या देता है? रिमाइंडर देता है, तो यूनिट प्लेस वाला नंबर हमें मिल जाएगा। इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे, उसका क्यूब करके सब में ऐड करते रहेंगे। वापस इस नंबर को हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉन 10 कर दो, अपॉन 10 कर दो। तो सिर्फ ये लॉजिक है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट क्या आता है? इंटीजर ही आता है, तो 153.153 आना चाहिए। लेकिन सिंस ये इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या दे देगा? ये 15 दे देगा। मीन्स देखिए, लास्ट डिजिट हट गई, हट गई। इसी लॉजिक का यूज करके अब हम लोग वही रिपीटिशन पे करते रहेंगे। इस बार 5 निकालेंगे, 5 के क्यूब का सम निकाल लेंगे, फिर नंबर को अपडेट करके 1 कर देंगे। तो ये रिपीटिशन पे करना है। इसी लॉजिक को लगाते हुए हमने ये प्रोग्राम लिखा है, हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन में कुछ वेरिएबल मैंने ये लूप चलाने के लिए ये रिमाइंडर हर डिजिट जो निकालेंगे वो रिमाइंडर आर वेरिएबल में रखेंगे, एंड वो नंबर है और टी एक टेम्प्रोरी वेरिएबल में ओरिजिनल नंबर को रख देंगे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो हम लोग चेंज करेंगे बाद में चल के, इसलिए टी में रख लेंगे, और सम इक्वल टू जीरो सम निकालने के लिए। अब हमने बोला एंटर ए नंबर, प्रिंट एफ में लिख दिया मैसेज कि एक नंबर एंटर करो और स्कैन एफ में वो नंबर एंड स्कैन एफ परसेंट डी एंड एन से वो नंबर इनपुट करा लिया। इसके बाद ओरिजिनल नंबर एन को हमने टी में स्टोर कर लिया, क्योंकि नंबर अपडेट करेंगे हम लोग लूप के अंदर। अब लूप स्टार्ट किया। अच्छा, लूप में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर बार यही स्टेप करना है, एक डिजिट निकालनी है, उसके क्यूब का सम निकालना है और नंबर को अपडेट कर देना है। ये तब तक करते रहना है जब तक कि नंबर में कुछ बचा है, मीन्स नंबर ग्रेटर देन जीरो है, तब तक करते रहेंगे। तो अब ये तो पता नहीं कि कितना बड़ा नंबर है, थ्री डिजिट का है कि फोर डिजिट का है कि फाइव डिजिट का है। यदि थ्री डिजिट का रहता तो ये रिपीटेशन वाला स्टेप थ्री बार होता, फाइव डिजिट का रहता तो फाइव बार, टेन डिजिट का है तो टेन बार। अब हमें ये ओरिजिनली पता नहीं कितने नंबर कितना बड़ा नंबर है, इसलिए तब तक करते रहो जब तक कि नंबर ग्रेटर देन जीरो हो। और जब तक और तब तक के केस में हम लोग हमेशा कौन सा लूप यूज करते हैं? वाइल लूप का यूज करते हैं, इसलिए मैंने वाइल लूप यूज किया है। तो वाइल में मैंने कंडीशन लिखा कि नंबर ग्रेटर देन जीरो है तब तक करते रहो। क्या करो? सबसे पहले रिमाइंडर निकालो एन मॉडुलस 10 करके। मॉडुलस 10 से क्या होगा? एक रिमाइंडर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकाला मैंने, और उस डिजिट को आर में स्टोर कर लिया। इसके बाद आर का क्यूब करके सम में ऐड कर दिया, सम में ऐड होता जा रहा है, और फिर नंबर को अपडेट किया कैसे? नंबर इक्वल टू नंबर अपॉन 10 से, इस तरीके से जैसे बताया। अब देखिए ये चलेगा कैसे। जैसे एक एग्जांपल की एन की वैल्यू यूजर ने यदि 153 दिया है, तो आर सबसे पहले लूप में आया, 153 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा, आर निकाला इस तरीके से, थ्री आया, सम निकाल लिया, और उसके बाद एन को अपडेट कर दिया, एन अब क्या हो गया? 15। ठीक है, एन की वैल्यू 15 है, यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाता है? कंडीशन के पास। 15 इज अगेन ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से अंदर आया, आर निकाला, इस बार 5 आया, एस निकाला, सम निकाल लिया उसका, और एन को अपडेट करके क्या किया? 15 अपॉइंट 10 से 1 आ गया।
ठीक है, तो n की वैल्यू इस बार 1 हो गई। यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे फिर से 1 इज ग्रेटर देन 0, अगेन ट्रू है ये, तो ट्रू है तो फिर से r निकाला। इस बार r क्या आएगा, 1 मॉडुलस 10 क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 में 10 का डिवाइड करो तो पूरा रिमाइंडर ही बचेगा 1, तो 1 रिमाइंडर आ गया। s निकाल लेंगे उसी फार्मूला से, s प्लस पावर 1 × 1 × 1 करके, और n इजकल टू इस बार किया 1/10, नंबर मॉडिफाई करके 1/10 क्या आएगा, 0.1 आना चाहिए, लेकिन सिंस दोनों इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा, तो पॉइंट के बाद वाली ट्रंकेट कर देगा, पॉइंट के पहले 0 है तो नंबर क्या हो गया अब 0। यहाँ से n की वैल्यू 0 आ गई। कंट्रोल अब कहाँ जाएगा, कंडीशन पे, n जो 0 है दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी, कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो सम में क्या आ जाएगा, सारे इंडिविजुअल डिजिट निकलता जा रहा है, उसके क्यूब का सम आता जा रहा है, इंडिविजुअल डिजिट निकलता जा रहा है, क्यूब का सम सम में आता रह रहा है, और हर बार हम नंबर अपडेट करते रह रहे हैं, जिससे कि अगली बार बचे हुए में से अगली जैसे अपडेट कर दिया, अगली बार ये 5 में वही प्रोसेस चलेगा। तो इस तरीके से सम में नंबर आ गया, और ओरिजिनल सम में क्यूब का सम आ गया हर एक इंडिविजुअल डिजिट का, और ओरिजिनल नंबर किस में है, टी में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये चेक करेंगे कि जो नंबर हमारा निकल के आया है, सम जो निकल के आया है और ओरिजिनल नंबर जो टी में है, दोनों सेम है क्या, यदि सेम हो जाएंगे तो आर्मस्ट्रांग होगा, अदरवाइज आर्मस्ट्रांग नहीं होगा। तो हम लोग ये चेक करना है दो चीज़ इक्वल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल लगाएंगे। हमने लिखा इफ सम इज इक्वल इक्वल्स टू टी, ओरिजिनल नंबर टी में है और क्यूब का सम सम में है, ये दोनों यदि सेम है तो लिख दो क्या, प्रिंट एफ परसेंट डी इज आर्मस्ट्रांग कॉमा सम, या टी ओरिजिनल नंबर टी को लिख दे रहे हैं, एल्स क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट आर्मस्ट्रांग और ये मेन फंक्शन जो चलाते हैं गेट सी एस लगा के मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। अब इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, हर एक ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इसका फ्लो चार्ट बनाना भी आना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लूपिंग का फ्लो चार्ट बनाने आप लोगों को बता रखा है, तो वहाँ से ध्यान करके आपको सारे प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट भी बना करके प्रैक्टिस कर लेना है, और यदि किसी को प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका फ्लो चार्ट फिर से बना दूँगा। अब अगला प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं जो कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ध्यान से हमें समझना है, ये चेक करना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज palindrome or not। हम ये चेक करना है कि यदि कोई नंबर यूजर ने इनपुट किया तो palindrome है कि नहीं है। तो palindrome निकालने के लिए हमें क्या करना, कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर palindrome है, यदि कोई नंबर और उसका रिवर्स नंबर, मान लीजिए एक नंबर है 1221, ठीक है, और इसका यूनिट प्लेस पे 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और इसको यदि रिवर्स कर दूँ, पहले ये नंबर लिखूँ, फिर ये लिखूँ, फिर ये लिखूँ, फिर ये लिखूँ, ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स नंबर यदि दोनों सेम होते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं, उल्टा सीधा एक समान, आप रिवर्स कर दो या ओरिजिनल नंबर है, दोनों सेम यदि आता है तो ऐसे नंबर को हम लोग पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। लॉजिक वही लगाएंगे, लॉजिक सेम है कि मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 151, अब इसका हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका एक डिजिट निकाला हमने आर में रख लिया, एक एक डिजिट निकालते गए, और रिवर्स करने का फार्मूला होता है रिवर्स इजकल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, और शुरू में रिवर्स इजकल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, इससे ही कोई नंबर निकलता है। आप ऐसे भी सोच लीजिए, यदि हमें एक नंबर ओरिजिनली निकालना है, यदि मान लीजिए एक नंबर है
151 है ना, और ये नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया है ना, गया कितनी बार, मान लीजिए 15 बार गया, रिमाइंडर 1 बचा, तो ओरिजिनल नंबर ये कैसे आ रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर है ना। तो इसी से फार्मूला ध्यान रखिएगा हमेशा कि रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस आर, आर क्या है, रिमाइंडर है, रिवर्स की वैल्यू शुरू में 0 है। इससे यदि इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे तो इससे हम लोग किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर जब उसका एग्जीक्यूशन करेंगे तब इसको और बेटर वे में समझते हैं। प्रोग्राम लिख लेते हैं, हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया हैज इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया void main, और इस मेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एक n वेरिएबल लिया जिसमें ओरिजिनल नंबर रखेंगे, रिवर्स करने के लिए रिवर्स इक्वल टू 0 ले लिया, रिमाइंडर r में रखेंगे है ना, और एक t वेरिएबल ले लेंगे जिससे कि ओरिजिनल नंबर को स्टोर रख लेंगे। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि नंबर इनपुट करो, प्रिंटर एंटर अ नंबर जिसको कि चेक करना है, और स्कैन ऐप से उस नंबर को इनपुट कर लिया, स्कैन ऐप परसेंट डी कॉमा एंड एन नंबर आ गया। इस नंबर को ओरिजिनली हम लोग एक टेम्प्रोरी वेरिएबल में रख लेंगे, क्योंकि नंबर हर बार, अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि इंडिविजुअल डिजिट्स को निकालते हैं और फिर नंबर को अपडेट कर देते हैं, तो नंबर तो अपडेट हो जाएगा इसलिए ओरिजिनल को हमने टी में रख लिया। इसके बाद हम लोग लूप चलाते हैं, हम लोग कब तक करें, जब तक कि नंबर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमें जब तक और तब तक के केस में कौन सा लूप यूज करना चाहिए, व्हाइल लूप, और हमें हर एक इंडिविजुअल डिजिट को तब तक निकालते रहना जब तक कि नंबर 0 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ ये किया। अब यहाँ क्या करेंगे, वही काम, हमने सबसे पहले लिखा रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10, नंबर में 10 का डिवीजन किया, जो रिमाइंडर आया आर में रख लिया। इसके बाद रिवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताया, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस आर, इससे आप लोग रिवर्स निकाल सकते हैं, और फिर फाइनली नंबर को नंबर अपॉन 10 से मॉडिफाई कर देते हैं। इस तरीके से चलेगा। अब जब ये लूप कंप्लीट होगा तो रिवर्स में उस ओरिजिनल नंबर का रिवर्स नंबर होगा, और लूप के बाहर निकलेंगे और ओरिजिनल नंबर टी में है, रिवर्स वाला आर ई वी में है, तो कंपेयर कर लेंगे कि टी और आर ई वी इक्वल है तो पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट ए पैलिंड्रोम। इसको हम लोग एक कोड बूट करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा नंबर किसी ने जो इनपुट किया है वो है 151 एन इक्वल टू 151 है ओरिजिनली, टी में एन की वैल्यू रख लिया मैंने, फिर एन ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आके हमने आर निकाला, आर इक्वल टू क्या आया 151 मॉडुलस 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर रिवर्स निकाला, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 0 प्लस आर, मीन्स रिवर्स इनटू 10 प्लस आर, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, रिवर्स की वैल्यू 0, 0 इंटू 10 0 प्लस आर की वैल्यू 1 है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नीचे 0 इंटू 10 प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया, आर की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद नंबर को अपडेट किया, नंबर इक्वल टू n 15 अपॉन 10 151 अपॉन 10, ये कितना आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, नंबर अपडेट होकर के एक डिजिट हट गया। अब उसमें से यहाँ से कंट्रोल कहाँ गया, वापस फिर कंडीशन पे गया, 15 है नंबर की वैल्यू, दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो फिर से अंदर आकर रिवर्स आर निकाला, आर इज़ इक्वल टू इस बार क्या होगा 15 मॉडुलस 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। फिर रिवर्स निकाला, रिवर्स इज़ इक्वल टू रिवर्स की पहले वैल्यू क्या थी 1 इंटू 10 प्लस 5, मीन्स फार्मूला ही लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला क्या है, रिवर्स इनटू 10 प्लस 5, हमेशा करेंट वैल्यू चलती है, रिवर्स की वैल्यू 1 इनटू 10 प्लस ये आर है, आर की वैल्यू 5 आई, इस नंबर रिवर्स क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। इसके बाद नंबर को अपडेट किया, इस बार नंबर अब क्या हो गया, नंबर इक्वल टू 15 अपॉन 10, क्या आ गया 1 आ गया,
यहाँ से कंट्रोल फिर कहाँ जाता है, फिर कंडीशन के पास, एन की वैल्यू वन है, वन इज ग्रेटर देन जीरो, अब भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से आर निकाला, आर इज इक्वल टू क्या गया वन मॉडुलस टेन, इसकी वैल्यू आई वन, फिर रिवर्स निकाला, रिवर्स इज इक्वल टू क्या, रिवर्स इंटू टेन, रिवर्स इंटू टेन प्लस आर, रिवर्स की वैल्यू कितनी है प्रीवियस जो करंट है 15 इंटू टेन प्लस आर की वैल्यू वन, तो कितनी आ गई रिवर्स की वैल्यू 151। इसके बाद हमने क्या किया, नंबर को अपडेट किया, नंबर इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन टेन, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन टेन करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर 0.1 आना चाहिए लेकिन पॉइंट के बाद की चीज़ें हटा देता तो सिर्फ 0 बचा, 0 हो गया। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया, फॉल्स होते ही लूप के अंदर नहीं आएगा, बाहर निकल जाएगा कंट्रोल। तो अब मिस रिवर्स में अब जो वैल्यू है रिवर्स वेरिएबल में, ये हमारा रिवर्स वाला नंबर आ गया, ठीक है, तो रिवर्स में रिवर्स वाला नंबर है, टी में ओरिजिनल नंबर है, और यदि ये दोनों इक्वल हैं, रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर इक्वल है तो पैलिंड्रोम, एक तो नहीं पैलिंड्रोम, ये चेक करना है तो कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ चेक कर लेते हैं कि रिवर्स की वैल्यू इक्वल इक्वल्स टू टी है क्या, यदि ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंट डी इज पैलिंड्रोम, कि बता दो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है कंट्रोल टी, सेमी कॉलन, ठीक है, एल्स अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, डेट सी एच लगा के फंक्शन को बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की, यदि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है ये चेक करना है। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, एक नंबर ऐसा जो कि या तो खुद से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका लॉजिक क्या लगा लें, यूजर से एक नंबर पूछ लेते हैं कौन से नंबर को चेक करना चाहता है कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है, हम लोग एक लूप चलाते हैं वन से लेकर उस नंबर तक, ठीक है, लूप वेरिएबल में एक बार वन आएगा, फिर टू आएगा, थ्री आएगा, अप टू एन आएगा, अप टू उस नंबर तक का वेरिएबल में वैल्यू आती रहेगी। इसी लूप वेरिएबल से एन में डिवीजन करके देख लेते हैं, ठीक है, और एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से काउंटिंग करने के लिए सी इक्वल टू जीरो शुरू में रख लिया मैंने, और जब जब डिवीजन हो तब तब काउंटर वेरिएबल की बढ़ाते जाएँ वैल्यू, ठीक है। तो यदि प्राइम होगा वो नंबर तो जो काउंटर वेरिएबल सी है उसकी वैल्यू टू होगी, क्योंकि एक बार खुद से डिवीजन हुआ होगा और एक बार वन से हुआ होगा, तो काउंट की वैल्यू सी आई रहेगी, सी की वैल्यू टू आई रहेगी, यदि टू आई रहेगी तो समझ लेंगे कि वो प्राइम नंबर है, नहीं तो प्राइम नंबर नहीं है, ही लॉजिक है। इसको समझते हैं, एक नंबर सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, एस इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, मेन फंक्शन लिखा वर्ड में, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल एन लिया, ठीक है, लूप चलाने के लिए आई लिया, ठीक है, और यदि और किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे चल के अभी आगे क्लियर कर लेंगे। फिलहाल मैं यूजर से कहता हूँ कि वो नंबर बताए, लिखा प्रिंट एफ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, वो नंबर बताओ जिसका जिसको चेक करना है प्राइम है कि नहीं, और मैंने स्कैन ऐप से वो नंबर इनपुट करा लिया, स्कैन ऐप परसेंट डी कॉमा एंड एन, नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं काउंटिंग करने के लिए, सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और हम एक लूप चलाते हैं वन से उस नंबर तक, एक लूप चलाया, फॉर लूप भी चलाया, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक, आई प्लस प्लस,
और इस लूप में क्या किया, नंबर एन को इस आई से डिवीजन करने लगे, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अब एन तक जा रहा है, तो डिवीजन करते गए करते गए, और जब जब डिवीजन हो जाए तब सी की वैल्यू बढ़ा दिया जाए। लूप के बाहर निकलेंगे और देख लेंगे यदि सी की वैल्यू 2 आई हुई है, इसका मतलब दो ही बार डिवीजन हुआ है, तो 1 से या उस खुद नंबर से, इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो वही हम लोग यहाँ करते हैं कि इफ़ एन डिविजिबल बाई आई इक्वल्स टू 0, एन में आई का डिवीजन किया, डिवीजन हो गया यदि 0 आ गया, तो क्या करो सी की वैल्यू बढ़ा दो, और इस लूप को सिर्फ यही करना है, इस लूप को सिर्फ यही करना है। हर बार आई की वैल्यू 1 लिया, डिवीजन किया, डिवीजन हो गया तो बढ़ा देगा वैल्यू, अदरवाइज डिवीजन नहीं हुआ तो यहाँ जाएगा ही नहीं, कंट्रोल यदि यहाँ फॉल्स हो गया तो इसमें जाएगा ही नहीं, आई की अगली वैल्यू उठाएगा फिर डिवीजन करेगा एन में, डिवीजन हो गया तो सी की वैल्यू बढ़ाएगा, नहीं डिवीजन हुआ तो यहाँ से फिर कंट्रोल यहीं चला जाएगा नीचे, इसमें जाएगा ही नहीं यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो। यहाँ कब जाएगा कंट्रोल, जब ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन यहीं फॉल्स हो गया, डिवीजन नहीं हुआ तो यहाँ सी की वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, ये तभी बढ़ाएगा जब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस किसके लिए है, इस इफ के लिए है, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन का स्टेटमेंट था तो यहाँ ओपन क्लोज करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लगाया है तो कंपाइलर यही समझेगा कि इस इफ के साथ एक लाइन का स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जब ये लूप कंप्लीट होगा तो सी में सी की वैल्यू कुछ रहेगी, यदि सी की वैल्यू यदि प्राइम नंबर एन रहता है तो आई की वैल्यू एक बार 1 होगी डिवीजन होगा, एक बार एन होगा तब डिवीजन होगा, दो बार डिवीजन होगा और दो बार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मीन सी की वैल्यू 2 आई रहेगी। तो इसीलिए हम लोग इस लूप के बाहर निकलेंगे और चेक कर लेंगे यदि इफ सी की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है, यदि सी की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो प्रिंट एफ परसेंट डी इज प्राइम, ये नंबर क्या है प्राइम है कॉमा और एन, यहाँ एन की वैल्यू जो भी है वो यहाँ लिख के आ जाएगा कि वो नंबर इज प्राइम, वो नंबर प्राइम ही लिख के आ जाएगा। एल्स यदि ऐसा नहीं हो रहा, 2 नहीं आ रही है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट प्राइम, वो नंबर प्राइम नहीं है कॉमा एन, ठीक है, उसके बाद लास्ट में गेट स्केच लगा के इस फंक्शन को बंद कर दिया। इस तरीके से हम लोग इसी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम करते हैं फिबोनाची सीरीज का, कि हमें फिबोनाची सीरीज कर प्रिंट करना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिबोनाची सीरीज कौन सी सीरीज है, एक ऐसी सीरीज जिसका पहला टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 1 और उसका नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का सम होता है, ये वाला टर्म इन दोनों का सम। अब ये नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, प्रीवियस 2 टर्म का सम 2 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा प्रीवियस 2 का सम, नेक्स्ट टर्म क्या होगा प्रीवियस 2 का सम, नेक्स्ट टर्म क्या होगा प्रीवियस 2 का सम। ऐसी सीरीज को हम लोग कौन से बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। अब फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने के लिए क्या लॉजिक लगाया जाए, मैं लिखता हूँ पहले प्रोग्राम, लिखा हैज इंक्लूड stdio.h void name और इसको स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। हमें ये पता पूछना पड़ेगा यूजर से कि कितने टर्म प्रिंट करना है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज तो इन्फिनाइट तक चलती रहेगी, लेकिन कितने टर्म प्रिंट करने हैं, नंबर ऑफ टर्म, एक जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स प्रिंट किए गए हैं, तो कितने टर्म प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज का ये पूछना पड़ेगा। मुझे यूजर से एन वेरिएबल ले लिया वो टर्म नंबर ऑफ टर्म पूछने के लिए, t1 इजकल टू 0 रूम मैंने डिक्लेयर कर लिया, t2 इजकल टू 1 क्योंकि पहला और टर्म 0 दूसरा टर्म 1 होता ही है, तो ये t1 हो गया, t2 हो गया, ये t3 हम लोग निकालेंगे, T3 एक निकालना है मुझे, ठीक है,
और सिंस मैं लूप चलाऊंगा तो एक लूप के लिए भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यूजर से पूछा नंबर ऑफ टर्न, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न प्रिंट कराना है ये पूछना है आपसे। स्कैन एफ से इनपुट करा लिया, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड एन, ये इनपुट हो गया। इसके बाद अब टर्न प्रिंट कराने के लिए हम लोग लूप चलाते हैं, फॉर आई इजक्ल टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, एन क्या है हम कितने टर्म प्रिंट करना है, आई प्लस प्लस, उतने टर्म में प्रिंटिंग करेंगे। और इस प्रिंटिंग में मैंने क्या किया, मैंने ये किया, एक तो टी थ्री निकाला है ना, सबसे पहले टी वन को प्रिंट कर लेते हैं, और ये यहाँ लिखने की जगह टी वन टी टू, टी वन वेरिएबल टी टू वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए हैं, बस यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं, टी वन इजक्ल टू जीरो एंड टी टू इजक्ल टू वन, फिर हमने प्रिंट कर लिया टी वन की वैल्यू, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा टी वन, टी वन प्रिंट हो गया, मीन जीरो प्रिंट हो गया। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद लिखा टी वन टी थ्री निकाल दिया, टी थ्री इजक्ल टू टी वन प्लस टी टू ये निकाल लिया, और लिखा टी वन में टी टू की वैल्यू डाल दिया और टी टू में टी थ्री की वैल्यू डाल दी, ठीक है। टी वन में जीरो था, टी टू में वन था, टी वन को प्रिंट कर दिया, जीरो प्रिंट हो गया। फिर मैंने टी थ्री निकाला, टी थ्री कैसे निकालना है, टी प्रीवियस टू टर्म का सम हो गया सम। अब लॉजिक क्या करना है कि जो टी टू था वो टी वन हो जाए, और जो टी थ्री आया है सम आया है अब वो टी टू बन जाए, मीन्स इस टर्म के लिए ये टी वन हो जाए ये टी टू हो जाए। वही किया मैंने, टी वन में टी टू डाल दिया और टी टू में टी थ्री डाल दिया, ठीक है ना, और ये बंद कर दिया लूप, ये वाला फॉर लूप यहाँ बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप लास्ट में यहाँ गेट सी एच लगा के और मेन फंक्शन बंद कर दिया, देखिए कैसे चलेगा। एन की वैल्यू लेट से यूजर ने एन की एन इजक्ल टू सेवन दिया, ठीक है, एन इक्वल्स टू सेवन दिया, यहीं पर देख रहा हूँ एन इजक्ल टू सेवन, लूप चला वन से लेकर सेवन तक, अंदर आया लिखा टी वन इजक्ल टू जीरो, टी टू इजक्ल टू वन, प्रिंट हो गया, मैं सी ए जीरो प्रिंट हो गया। इसके बाद टी थ्री कितना निकला, जीरो प्लस वन, मीन्स टी थ्री वन हो गया। टी वन इजक्ल टू टी टू, मीन्स टी वन की वैल्यू क्या हो गई, अब जो भी टी टू की वैल्यू थी मीन्स टी वन की वैल्यू वन हो गई, और टी टू की वैल्यू क्या हो गई, टी थ्री वाली टी टू की वैल्यू वन हो गई, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू अब हो गई टू, टू इज़ लेस देन एन, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर अंदर आ गया, क्योंकि एन की वैल्यू सेवन है, टू इज़ लेस देन सेवन, फिर से अंदर आया। अंदर आके ये जो टी वन टी टू हम लोग यहाँ रखे हैं बेटा, इसको हम लोग बाहर ही रखते हैं, इसको हम लोग बाहर ही रखते हैं, टी वन इजक्ल टू जीरो, टी टू इजक्ल टू वन, यहीं सही है। फिर यहाँ के बाद कंट्रोल कहाँ आया, आई की वैल्यू बढ़ाया, टू हो गया, टू इज लेस देन सेवन, अंदर आया, अब क्या करेगा, टी वन की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब टी वन की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन प्रिंट होकर के आ गया ये वाला, ये प्रिंट हो गया। और इसके बाद अब क्या किया, टी थ्री निकाला, टी थ्री इजक्ल टू कितना हो गया, टी वन की वैल्यू वन, टी टू की वैल्यू वन, मीन्स टी थ्री की वैल्यू हो गई टू। अब क्या किया, T1 वन इजक्ल टू टी टू, इस टी टू की वैल्यू वन थी और T1 में डाल दिया, और T2 में क्या डाल दिया, T3 वाली वैल्यू, T2 में क्या हो गई, टू हो गया। अब T3 T2 में क्या आ गया, ये टू आ गया, T3 वाली वैल्यू, हमेशा करंट वैल्यू चलती है। यहाँ से कंट्रोल गया, I की वैल्यू बढ़ाया, I की वैल्यू अब कितनी हो गई, I की वैल्यू कितनी हो गई, अब थ्री हो गई, थ्री इज लेस देन सेवन, अब भी ट्रू है। अंदर आया, T1 की वैल्यू फिर प्रिंट किया, अब T1 की वैल्यू इस बार क्या है, वन है, तो ये वाला वन प्रिंट हो गया, ठीक है।
इसके बाद कंट्रोल गया, T3 निकाला, T3 इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 2, इस T3 की वैल्यू आ गई 3। T1 इक्वल टू T2, T2 में क्या वैल्यू है 2, मीन्स ये T1 की वैल्यू अब 2 हो गई, और T2 में क्या हो गई T3 वाली वैल्यू, मीन्स T2 में हो गई 3 वैल्यू। यहाँ से कंट्रोल गया, I की वैल्यू 4 किया, 4 इज लेस देन 1, फिर अंदर आया, T1 की वैल्यू इस बार प्रिंट कर दिया, T1 की वैल्यू क्या है 2 है, इसलिए 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद गया T3 निकाला, T3 इक्वल टू T1 प्लस T2, इसलिए क्या हो गया 5। T1 इक्वल टू T2, T1 में T2 की वैल्यू डाल दिया 3, और T2 में T3 की वैल्यू मीन्स यहाँ 5। यहाँ से कंट्रोल गया, I की वैल्यू 5 किया, 5 इज लेस देन 7, फिर अंदर आ गया, T1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, इस बार प्रिंट किया, T1 की वैल्यू क्या है 3 है, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते करते पूरी फिबोनाची सीरीज प्रिंट होकर के आ जाएगी, क्लियर है। इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं एक और प्रोग्राम की, जिसमें हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड की बात करेंगे। चाहे इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यदि आपको हमारा प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा है, आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।